साल दर साल चुनावों में परिवर्तन आते जाते रहते हैं। पुराने वक्त के चुनाव और अब के चुनावों में क्या अंतर आया है, हमारी आज की रिपोर्ट इसी से जुड़ी है। साथ ही हम जानेंगे इस बार के विधानसभा चुनाव को लेकर बुजुर्गों की क्या राय है। तो आइए देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट संवाददाता दिनेश जसवंती के साथ। नमस्कार, मैं हूँ दिनेश जसवंती। एक बार फिर एक विशेष चर्चा के साथ आप लोगों के बीच हाजिर हूँ। इस बार हम बुजुर्ग मतदाताओं से, बुजुर्ग वोटरों से बात करेंगे और जानेंगे कि पुराने चुनाव और अब के चुनाव में क्या अंतर आ गया है और वे इस बार अपना मत यानी अपना वोट किसको देंगे, किसकी ओर उनका रुख रहेगा, किसकी सरकार बनेगी और वो अपना पसंदीदा प्रत्याशी किसे मानते हैं, यही सब जानने का प्रयास करेंगे। उसके पहले बता दूं कि चर्चा में व्यक्ति विचार व्यक्ति के अपने व्यक्तिगत विचार हैं, जिससे चैनल को इत्तेफाक नहीं रखता है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। साथ ही बता दूं कि हम यहाँ किसी जाति वर्ग राजनीतिक संगठन और व्यक्ति विशेष का समर्थन नहीं करते हैं और न ही किसी का विरोध करते हैं। तो आइए हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। इस विषय पर हम बुजुर्गों का मत जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ एक बुजुर्ग जुड़ रहे हैं, आपका नाम क्या है? मैं शर्मा। आपकी उम्र कितनी है? मैं 72 साल की उम्र है। जी, 72 साल में आपने कई चुनाव देखे होंगे? बहुत से चुनाव देखे हैं। तो पहले के चुनाव में और आपके चुनाव में क्या अंतर है? चुनाव भाईचारा का चुनाव होता था और इज्जत का चुनाव होता था। हर आदमी अपनी इज्जत को देख करता था कि भाई आदमी इज्जत का है, चाहे वो विपक्ष का हो या पक्ष का हो, यानी उस चीज़ को देखते थे वो। और क्या अंतर रहता था पहले के चुनाव में? हर आदमी अपना अपना हर आदमी को समझता था कि भैया ये फलाना आदमी है, इसके सामने अपनी बात नहीं करना चाहिए, इसके आदमी व्यवहार यानी उसका व्यवहार और उसकी पहले के चुनाव में खासियत ही रहती थी कि कट्टर लोग रहते थे। हाँ, कट्टर लोग रहते थे। उस वक्त भी रहता था, पक्ष भी रहता था, बल्कि विचार से आदमी ये था। और उसके बाद दूसरा क्या था कि वो आदमी समझता था कि भैया आज ये विपक्ष का है तो भी अपना भाई है, उसको भाई को लेके चलता था। और मतलब आजकल चुनाव में भाईचारा खत्म हो गया है। अच्छा, आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश में इस बार कौन दाव खेलेगा, किसकी सरकार बनेगी? कांग्रेस की सरकार बनेगी। आज कांग्रेस की सरकार ने उसने क्या टंकी 500 रुपये में देने कहा है, अरे बिजली माफ हाफ कर और है, तो फिर अपना लाड़ी योजना 1500 रुपये। आज ये मुख्यमंत्री जी जो कर रहे हैं 1000 रुपये जो दे रहे हैं, आज वो 1000 रुपये दे रहे हैं, आज उस आदमी का पैसा उसके खाते में नहीं आ रहा है, उसके खाते में का जो खाता नंबर जो दिया उसमें नहीं आ रहा है, दूसरी जगह जहाँ खाता उन बंद कर दिया गया है उस जगह पैसा उसका जा रहा है। आज वो 1000 रुपये खर्च उसने तुमने दिया, 1000 रुपये वहाँ खर्च कर दिया उसने। क्या तो आपको लगता है मतलब इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी? कांग्रेस की सरकार बनेगी। खरगोन में आप किसको आप पहली पसंद मानते हैं? रवि जोशी। ऐसा क्यों? रवि जोशी ने कार्य किया है ना। अच्छा। आज गांव में खरंजे हैं, नर्मदा से पाइपलाइन का पानी उन्होंने यहाँ करवाया है और अन्य काम भी जो भी हैं। अच्छा, आपके ऊन के लिए क्या क्या किया उन्होंने? ऊन के लिए जैसे खरंजा है और समाज के लिए उन्होंने दान दिया हुआ है। अच्छा। समाज में जो अन्य समाजों को जो उन्होंने दान दिया हुआ है वो भी ये होगा कि उनके सामने जैसे बालकृष्ण पाटीदार खड़े होते हैं और कोई खड़े होते हैं तो क्या स्थितियाँ रहेगी? हमारा रवि जोशी जीते। पक्का है। 100%। क्या नाम लिखता है? मैं महेश शर्मा। हमारे साथ एक बुजुर्ग और जुड़ रहे हैं, उनसे जानते हैं कि उनका इस विषय पर क्या कहना है। क्या नाम आपका? सुंदरलाल त्रिवेदी। कितनी उम्र होगी आपकी? 65। 65 साल में आपने बहुत सारे चुनाव देखे होंगे, पहले जो चुनाव होते थे और अब जो चुनाव हो रहे हैं, उन चुनावों में क्या अंतर आ गया है? वर्तमान के चुनाव में क्या है, व्यक्ति जो होता है पार्टी और उम्मीदवार दोनों को देखता है, देख करके ही अपने मन में उसका चयन करता है। पहली बातें जो थी कि हाँ इसको हम दे देंगे, इसको हम, ये हमारी पार्टी, ये हमारी पार्टी, आज पार्टी वाली बात नहीं, व्यक्ति पार्टी की प्रतिष्ठा को भी देखता है, पार्टी के कार्य को भी देखता है और व्यक्ति जो खड़ा हुआ है सामने उसके भी कार्य को देखता है, उसके पश्चात ही मतदान करता है। मतलब पहले के चुनाव व्यक्तिगत हो जाते थे, अब क्या है कि अब व्यक्तिगत चुनाव नहीं है, उम्मीदवार की प्रतिष्ठा के ऊपर है, उम्मीदवार के कार्य करने की शैली के ऊपर है। पहले क्या होता था कि अधिकतर गाँव में देखा जाता था कट्टर चलते थे, कट्टर लोग होते थे कि ये बीजेपी का, ये कांग्रेस का, अब क्या कंडीशन है? अब वो कट्टरता नहीं है। अब उसके विचार यही कि जो वर्कर पार्टी है, जो काम करने वाली पार्टी है, उसी को चयन करता है, उसी के ऊपर मतदान। अच्छा, जैसे अब मध्य प्रदेश में चुनावी गहमागहमी शुरू हो गई है, आपको क्या लगता है इस बार मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी, कौन जीत पाएगा? वैसे चुनाव कसमकस के हैं, चुनाव जो होता है बड़ी फाइट के साथ होंगे, लेकिन उसमें भी यानी शिवराज सिंह गवर्नमेंट जो अभी तक जितने भी उसके कार्यकाल गए
उस कार्यक्रम में उसने अच्छे काम किए, संतोषजनक कार्य की स्थिति को देखते हुए यही लगता है कि वापस बीजेपी की सरकार पुनः। ऐसे कौन से काम किए शिवराज सिंह चौहान ने जो उनकी सरकार फिर से बन जाएगी? जनहित से जुड़े बहुत सारे कार्य किए हैं, किसानों को ऋण के ऊपर ब्याज माफी की योजनाएं हैं, लाडली बहना योजनाएं हैं, बहुत सारी अन्न धन योजना है, जल संवर्धन योजना है, बहुत सारी योजनाएं जो है। महिलाओं को तो कमलनाथ जी भी 1500 देने का कह रहे हैं, कह करके दे देना वो एक अलग विषय होता है, यहाँ वर्तमान में उन्होंने दे दिया है, जो कहा है उसको कर दिया। हाँ, मतलब भाजपा जो कहती है करती है, जो भाजपा कहती है वो करके दिखाती है। अच्छा, खरगोन विधानसभा के लिए क्या रहेगा इस बार, गणित क्या रहेगा, किसको टिकट मिलेगा, कौन जीतेगा? खरगोन विधानसभा के लिए वैसे पूर्व के MLA जो थे उनका कार्यकाल अच्छा रहा था, वैसे निर्विवाद रहा था, किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं रहा था, वर्कर व्यक्ति थे, और ऐसे ही व्यक्ति को अगर पार्टी कोई भी टिकट देती है तो उनको मतदान में मतलब संभावना है बालकृष्ण पाटीदार जी की बढ़ रही है। हाँ, संभव। अच्छा, क्या नाम लिखते हैं? सुंदरलाल त्रिवेदी। बुजुर्ग जुड़ रहे हैं जो भाजपा के प्रचारक भी रहे हैं, प्रशंसक भी रहे हैं, और पुराने समय में भाजपा का बहुत प्रचार किया, गांव के अंदर इनके प्रचार की बहुत चर्चाएं रही है। दादा, पुराने चुनाव और इस बार के चुनाव में, नए चुनाव में अंतर क्या आ गया? पहले के चुनाव किस तरह से होते थे? नए चुनाव होते थे उसकी पहचान लेती थी कि भाई ये कांग्रेस का आदमी है या जनता का आदमी है, क्यों बिल्ले लगाते थे, झंडी लगाते थे। अच्छा, झंडी और बिल्ले से पहचान हो जाती थी कि बीजेपी का है, कांग्रेस का है। अब क्या हो गया? अब वो अंतर बहुत हो गया। हाँ, अब इस चुनाव में क्या होता है कहीं समझ में नहीं आ रहा। हाँ, मतलब मतदाता चुप रहता है अभी, चुपचाप में। अच्छा, तो पहले जब आप प्रचार पे जाते थे तो कैसा क्या लगता था आपको? पहले चुनाव में जाते थे तो कई बिल्ले बांटते थे, कई झंडियाँ बांटते थे कि भाई कांग्रेस का है, ये जनता का है। अच्छा, इस बार के चुनाव में आपको क्या लगता है कौन बाजी मारेगा, कौन जीतेगा मध्य प्रदेश में? देखो, मध्य प्रदेश में तो अभी फिलहाल शिवराज सिंह जीतने वाला है, क्योंकि उनका काम अच्छा है। क्या काम किया है उन्होंने? ये लाडली योजना, किसानों को। अच्छा, तो आपको लगता है कि आप जैसे प्रशंसक को इसलिए तो नहीं बोल रहे कि भाजपा के प्रशंसक को इसलिए बोल रहे कि शिवराज जी के? अच्छा, हो या नहीं हो, कोई मतलब नहीं, काम के ऊपर है सब। कमलनाथ भी अच्छा आदमी है, वो भी उसकी मैं तारीफ करता हूँ, बाकी फिलहाल तो कमलनाथ अपना शिवराज सिंह है, वो काम अच्छा कर रहा है। अच्छा कर रहा है। अच्छा, खरगोन में आप अपनी पहली पसंद किसको मानते हैं, विधायक में किसको खड़ा करना चाहिए पार्टी ने? देखो, ये तो अभी ये पार्टी वाले जाने, आप कौन किसका, बालकृष्ण पाटीदार हो सकता है या रवि जोशी हो सकता है। रवि जोशी तो कांग्रेस से, बीजेपी से कौन रहेगा? और ये हो सकता है कि बालकृष्ण पाटीदार को, पुराने प्रत्याशी, और आप उनको अच्छे से जानते भी होंगे, उनका व्यक्तित्व कैसा क्या है, कैसे व्यक्ति हैं? नहीं, बहुत अच्छे हैं वो। अच्छा, काम करते हैं जमीन पे? काम अच्छे करते थे। अच्छा, तो ये थी आज की हमारी विशेष रिपोर्ट, जिसमें हमने बुजुर्गों से उनकी राय और पुराने चुनाव और आपके चुनाव को लेकर उनके विचारों को जाना। आगे एक ऐसी रिपोर्ट के साथ फिर से हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और देखते रहिए SW24। कैमरा पर्सन दुर्गेश कुमार के साथ दिनेश दसौंधी, SW24 पूर्ण। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।